और इन अजीम माँ को अपने शहीद बेटों पर फख्र महसूस हुआ। इन माँ को इस बात का यकीन है कि इनके बच्चे अल्लाह की जन्नत में मौजूद है, वहाँ इनको ना खौफ है और ना डर। रोती नहीं कभी भी शहीदों से लपट कर, रोती नहीं कभी भी शहीदों से लपट कर, ये हौसला मेरे वतन की माँ का है। मेरे अजीज तालिबे इल्मों, मैं समझता हूँ कि 16 दिसंबर 2014 को होने वाला सानहा ऐसा है जो कौम का जोश व जज्बा जिंदा कर दे, जो कि वक्ती ना हो बल्कि कायम रहे। उन मासूम नन्हे फरिश्तों की शहादत को रायगा ना दिया जाए। ये सब तब ही मुमकिन है जब हम सब एक हो जाए, अपने अंदर के इंसान को बदले, दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी ज़ात में तब्दीली लाए, जुल्म होते देख कर खामोश रहने की बजाय उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और जुल्म को रोकने की कोशिश करें। मेरी दुआ है रब कायनात से, ऐ मेरे अल्लाह तू इन दरिंदों को हिदायत दे और वतन पाकिस्तान के महादरमा को इनके सब्र पर अजर अजीम अता फरमा। मोहतरम उस्ताद कराम, मैं आखिर में आज़ान और खदीजा के ग्रुप को दावा देता हूँ कि वो आए और आप सबके सामने एक खूबसूरत टेबल पेश करें। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। आज़ान और उनका ग्रुप, कम ऑन स्टेज। आज स्कूल चले जाओ, कल मत जाना। आपने कल भी यही कहा था। नफरत मत करो, शाबा लेट हो रहा है। मैंने तुम्हारी पसंद का लंच बॉक्स भी बनाया हुआ है। मेरे लंच बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाना। शाबा बस आ गई है, लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। ये देखो मेरे जूते पट गए हैं सारे, दो सस्ती। नफरत मत करो, शाबा स्कूल जाओ। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन घर वापिस नहीं आऊँगा। घर नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं भी लेकिन घर वापिस नहीं आऊँगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। Thank you.
अल्लाह करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेश आए जवाल ना हो, यहां जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहां खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकार वतन और उसके हुस्न को तश्वीश माह साल न हो, हर एक फर्द हो तहजीब फन का औज कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो।